नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं द चाइल्ड केयर एकेडमी। यहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार। एडमिशन ओपन। भीलड़ बाबा मेला शुभारंभ से ही विवादों में चला रहा है और ऐसा लगता है कि मेले का समापन भी विवादों से ही होगा, क्योंकि मेला संचालित करने वाले जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कम ही नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या हो गया, तो हम आपको बता दें कि भीलड़ बाबा मेले में जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलीभगत कर मनोरंजन के नाम पर जुआ खिलाया जा रहा है, जिसकी अनुमति जनपद के द्वारा दी गई है या नहीं इसकी जानकारी तो नहीं लग पाई, लेकिन यह सच है कि जुआ खिलाने वालों से शुल्क बराबर वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि मनोरंजन के नाम पर जो जुआ खिलाया जा रहा है उसमें बाकायदा 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक सजा कर रखे जाते हैं, जिसे खेलने के लिए मेले में आने वाले लोगों से निर्धारित शुल्क भी वसूला जाता है और उन्हें रिंग दी जाती है जिसे इन रुपयों पर फेंकना होता है। यदि रिंग में रुपए आ गए तो वो लोगों को दिए जाते हैं। बस इसी लालच में भीलड़ बाबा मेले में हजारों रुपए के दाव भोले भाले ग्रामीण खेल रहे हैं और लूट भी रहे हैं। वही जिम्मेदार जनपद पंचायत के अधिकारी मेला प्रबंधन सहित पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे अपना हिस्सा ले अपनी आंखों के सामने आम जनता को लुटते देख रहे हैं। अब देखना यह है कि मेले में मनोरंजन के नाम पर खिलाए जा रहे इस जुए के कारोबार को केवल दिखावे के लिए बंद किया जाता है या फिर इसे खिलाने वाले व्यक्ति के साथ मेले को सुचारू संचालन करने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाती है। सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच पर्ची एवं भर्ती पर्ची के नाम पर संबंधित ठेकेदार के कर्मचारियों ने लूट मचा रखी है, जिसका खुलासा शनिवार के दिन हुआ जब ग्राम मालापाट से अरविंद लोबंसी अपनी गर्भवती पत्नी का उपचार कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनसे जांच पर्ची के नाम पर 10 रुपए वसूले गए। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है जिस पर उपचार एवं जांच निःशुल्क होती है और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि यहाँ सभी से शुल्क लिया जाता है, तब अरविंद लोबंसी ने बताया कि होशंगाबाद में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया था, लेकिन ऑपरेटर नहीं माना और 10 रुपए ले लिए, जिसके बाद गर्भवती महिला का उपचार डॉक्टर से कराने के बाद भर्ती पर्ची बनवाने के लिए कहा गया, उसके लिए भी ऑपरेटर ने 15 रुपए लिए। पूरा वाक्य होने के बाद गर्भवती पत्नी के पति अरविंद लोबंसी ने इस भ्रष्टाचार की सूचना NBTV की टीम को दी। उसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कंप्यूटर ऑपरेटर से बात कर कहा कि इनके पास मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है जिसमें लिखा गया है कि गर्भवती महिला का उपचार एवं जांच निशुल्क की जाएगी, फिर क्यों वसूली की जा रही है। जवाब में कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि हमें सभी से रुपए लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद NBTV की टीम ने डॉक्टर GR करोड़े को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद गर्भवती महिला के पति को जांच एवं भर्ती पर्ची के 25 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर से वापस दिलाए गए। आपको बता दें कि ऐसे कई भोले भाले ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन को सख्त कदम उठाने चाहिए। आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार लोबंसी। कहाँ से आए हो? ग्राम मालापाट। किस काम से आप अस्पताल आए थे?
मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 10वीं महीने चल रहा है, पेट में दर्द था, तो इलाज करवाने चेकअप करवाने आया था, भर्ती करना क्या करना है। क्या हमें पता चला कि आपसे पैसे ले लिए गए थे, बल्कि आपके पास MCP कार्ड है? जी मेरे साहब ये कार्ड भी है, मैंने होशंगाबाद में भी 4 अप्रैल को दिखाया था, भाई मेरे पैसे नहीं लिए, मैंने बोला कि पैसे नहीं लगते हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ लगते हैं, बोले हमारे यहाँ तो अभी कोई आदेश नहीं है। पहले 10 रुपये लिए, फिर भर्ती करने बोला कि आप वाटर लगवाइए, फिर भर्ती करने के फिर 15 रुपये लिए, 25 रुपये लिए मेरे से। मैंने कार्ड दिखाया और जो होशंगाबाद कार्ड भी दिखाया उनको कि वहाँ पर हम कोई पैसे नहीं लिए गए, आप यहाँ क्यों ले रहे हैं। सिवनी बालवा के ग्राम जाटगुरालिया के पास शनिवार एक हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां 2 लोगों की हालत अधिक गंभीर होने के चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आपको बता दें घटना ग्राम जाटगुरालिया के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार ओवरलोड ऑटो के सामने अचानक गाय आ गई, जिसके चलते ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं पलट कर पास ही पुलिया के नीचे जा गिरा, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अधिकतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, जो सिवनी मालवा में आयोजित होने वाले किसी प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शी गोलू पंचारिया ने बताया कि ऑटो चालक जरूरत से ज्यादा सवारियां भरकर तेज रफ्तार में जा रहा था, जिसके चलते अनियंत्रित होकर पलट गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी राम कुमार सोनी भी मौके पर पहुंचे और घायल कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक भैया और थे हमारे सामने, ऑटो के सामने एक गाय आ गई थी, तो उसके कारण भैया पे गाड़ी ऑटो अनबैलेंस हो गया और हम लोग की खाई में गिर गए, तो वहाँ पे 3 पलटी गाय और ऑटो, और उसमें हम लोग सबको लग गई। अच्छा, ये किस बात की ट्रेनिंग थी? हम लोग की IELA की ट्रेनिंग थी। अच्छा, ये हर हफ्ते होती है? हर हफ्ते नहीं होती, अभी चल रही है इसलिए। अच्छा, तो जो भी घायल हुए सारे आपके साथी हैं? हाँ, साथ वाले? हाँ, हम लोग 4 लोग थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहाँ जा रही थी, किस काम से? अच्छा, अभी खबर मिली 1 घंटे पहले ऑटो से आ रहे थे, तो ऑटो पलट गया। लगभग कितने कार्यकर्ता थे? 30 कार्यकर्ता। सर, ये महिला बाल विकास विभाग के पास अपना कोई वाहन नहीं है क्या कि जिससे इनको लाया जाए? कितने गंभीर हैं अभी कुछ पता चल रहा है? कितने को रेफर किया? 2 लोग ज्यादा था। शिवपुर में नहर के पास ऑटो पलटने से के बाद इनको चोट लगने पर पेशेंट को लाया गया, कुल पांच पेशेंट को लाया गया है, जिसमें एक पेशेंट को होशंगाबाद रेफर किया जा रहा है, क्योंकि उसका शोल्डर कहने मतलब फ्रैक्चर आया है, बाकी पेशेंट का अभी उपचार चल रहा है। सर, अभी जो जितने का प्राथमिक उपचार है, उनकी कंडीशन कैसी है? उनकी प्राथमिक कंडीशन स्टेबल है और उनका उपचार चल रहा है। सिवनी मालवा के ग्राम हरपालपुर के मुख्य द्वार पर आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा मतदान नहीं करने की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ये कदम शासन की गलत नीतियों के चलते उठाया गया है। आपको बता दें कि ग्राम हरपालपुर के किसान इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनके गेहूं खरीदी केंद्र को परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके चलते कई किसानों को अपनी उपज बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समितियों में अधिक समय लगने के चलते भाड़े के रूप में भी ट्रैक्टर ट्राली चालकों को हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवनी मालवा विधानसभा की बैठक भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रांशु राणे के द्वारा आगामी योजनाओं के बारे में बताया गया। राणे ने बताया कि 25 तारीख को पूरे जिले में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बूथ तक प्रचार किया जाएगा। वहीं 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर युवा मोर्चा द्वारा हर बूथ से कार्यकर्ता उपस्थित होने के लिए जिला पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष को जवाबदारी सौंपी गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रघुवीर राजपूत, भरत सिंह राजपूत, राजेंद्र पालीवाल, शैलेंद्र गौर, नितिन सूर्यवंशी, विक्रम सूर्यवंशी, गौरव राजपूत, दिलीप राजपूत, श्रीधर अग्रवाल, ईश्वर जमींदार, कमल लोबंसी, सज्जन रघुवंशी, सूर्य पालीवाल उपस्थित थे।